जब आती है कायर को ही धेलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, सैनिक नहीं धीरज खोते। पैसे का खर्च हो गए, खर्च हो गए, कायर में राह बनाते हैं। इससे बगैर पूछे तुम्हारी पैसे निकालने की हिम्मत कैसे हुई? निखर मेरा भी, और हर बात आपसे पूछना मैं जरूरी नहीं समझती। जरूरी नहीं समझती? तू कोई महारानी है क्या? मुझ पर हाथ उठाया आपने, मुझ पर हाथ उठाया, अरे मैं हूँ तो तीन दिन मर के भी आपका साथ देती आई। इस जगह कोई और होती ना तो कब के घर छोड़ के चली गई होती। चाचा हाँ ना, किसी पे एहसान कर रही है क्या? सुबह शाम का खाना भी तो मुफ्त में खाती है। क्या कहा? खाने का खाना देंगे आप मुझे? अरे लाना थे आपके खाने पर, भूखी मर जाऊंगी लेकिन अन्न का दाना एक भी मुंह में नहीं डालूंगी। आकांक्षा, अब आप यहाँ आकर इस कविता को सुनाओ, याद किया है ना? जी सर। गुड, आ जाओ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, शरण एक नहीं धीरज खोते। बहुत अच्छे, आ जाओ। शिवी, क्या हुआ? शिवी बेटा, कविता याद नहीं किया इसलिए रो रहे हो? अच्छा, तो आपने होमवर्क नहीं किया है। और ये क्या, आपके पास कॉपी किताब कुछ भी नहीं है यहाँ पे? शिवी, चुप हो जा बेटा, आप छुट्टी के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? और बच्चों, जिसने भी ये कविता याद नहीं की है आज, वो कल याद करके आएंगे, ठीक है? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं सर, मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी वजह से पापा उनको मारते भी हैं। तुम्हारी वजह से? हाँ, जब कल मम्मी ने मेरी स्कूल ट्रिप के लिए पैसे मांगे तो पापा ने उनको धक्का दिया और मम्मी रोने लगी। चुप हो जा बेटा, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मम्मी आज भूखी भी है। भूखी क्यों है? मम्मी ने कहा पापा उनको बहुत तंग करते हैं, इसलिए अब वो खाना नहीं खाएंगी। मुझे घर जाते भी डर लगता है, पापा मम्मी को मारते हैं। परेशान मत हो बेटा, चलो चलो घर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। सॉरी, मेरी मम्मी है, मम्मी मेरे क्लास टीचर। नमस्कार बहन जी, बैठिए जी। थैंक यू। शिवी बेटा, आप मुँह हाथ धो लो, मुझे आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है। जी सर। बहन जी, शिवी आजकल काफी परेशान है। जानती हूँ, लेकिन घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं सर। ऐसी क्या बात है बहन जी, बताइए ना, ऐसी क्या मजबूरी है? रहने दीजिए, आप पानी लेंगे क्या? नहीं प्लीज, आप बैठिए ना। बहन जी, आप हमें सारी बातें बताइए। शिवी का क्लास टीचर होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ऐसे शिवी से मुझे काफी कुछ पता चला है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आके मिलूं। बताइए ना बहन जी, बात क्या है? लिपस्टिक का दाग, अब समझ में आया सारा खेल। आज खाना बाहर ही खाऊंगा, इंतजार मत करना। आज ही क्यों, रोज ही बाहर खाना? अब घर का खाना हजम का होने वाला है तुम्हें? तुम्हारे लिए तो पकवान बना के बैठी होगी वो चुड़ैल। क्या बकवास कर रही हो तुम, बाहर जाते समय मुझे इस तरह की पकपक बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो मैं भी पसंद नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जगह कोई और ले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो नोच लूंगी उसका। वैसे कौन है वो जिसके होठों की लाली अपने कपड़ों पे लगाए फिरते हो? होठों की लाली लगाए घूमू या आंखों का काजल, मेरी मर्जी,
तुम होती कौन है बोलने वाली? आपके बीवी साफ फेरे डालकर लाके मुझे इस घर में आओ, मुझे छोड़कर किसी और के साथ रंग रलियां मनाओ, ये मेरे जीते जी नहीं होगा। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लाल दाग का कुछ और ही समझ बैठी। हटो मेरा रास्ता छोड़ो। रोज तेरे पापा किसी को मिलने जाते, अपने पता लगा के छोड़ूंगी किससे मिलने जाते। अब कब तक हम यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हें सबके सामने अपना लूंगा। आपकी बीवी मान जाएगी? आसानी से तो खैर नहीं मानेगी, लेकिन धीरे धीरे मान ही जाएगी। जाने कब वो शुभ घड़ी आएगी। शुभ घड़ी नहीं, अशुभ घड़ी जरूर आ गई है। तुम यही है ना वो लाल फोटो वाली चूड़ा? आज उसका मुंह नोच। छोड़ो, छोड़ो दे, पागल हो गई हो क्या? हाँ, आप पागल हो गई हो। मारो और मारो, इस चुड़ैल के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। कीड़े पड़ेंगे ना, तुम्हें भी तो जगह नहीं मिलेगी। आप ही बताइए, एक औरत ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? देखिए बहन जी, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप अनपढ़ और गंवार औरतों की तरह अपने पति को परमेश्वर मानकर उनके अन्याय को प्रोत्साहित करें, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आप दोनों के साथ किसी मासूम की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आप लोगों के लड़ाई झगड़ों का शिवी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप लोगों ने उसका बचपन छीन लिया है। वो ना तो किसी और बच्चे के साथ खेलती है, ना ही हंसती बोलती है। आप ठीक कहते हैं, आजकल शिवी बहुत गुमसुमन और उदास रहने लगी, लेकिन मैं अकेले ऐसे कैसे? बहन जी, मैं मानता हूँ कि दोष आपके पति का है, लेकिन पहल किसी ना किसी को तो करनी ही है ना। बेशक आप अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन कोशिश ये करें कि उस वक्त शिवी वहाँ पर ना हो, तनावपूर्ण माहौल से उसे दूर ही रखें तो अच्छा है। बस थोड़े संयम की जरूरत है बहन जी। मैं ख्याल रखूंगी जी। मैं फिर आऊंगा आपके पति से मिलने। नमस्कार। शिवी बेटा, शिवी, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? यहाँ नहीं तो और कहाँ? सारे मोहल्ले के सामने दोबारा हंगामा करवाता क्या? देखिए, ये लुका छुपी का खेल मैं और नहीं खेल सकती। आपको कोई एक फैसला करना होगा, या तो आप मुझे चुने या फिर अपनी बीवी और बेटी को। बीवी और बेटी को? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बीवी के साथ साथ बेटी का भी त्याग कर दूं, तब तुम मेरे साथ रहोगी? और नहीं तो क्या, मैं भाई पूरी जवान औरत हूँ, क्या मैं माँ नहीं बन सकती? और फिर किसी और का बच्चा? वो मेरी बेटी है और मैं उसका बाप। ये ठीक है कि निशा के साथ मेरी मतभेद है, लेकिन सिवी तो मेरी लाडली है। अब निर्णय आपको करना है, मैंने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। पूछोगी नहीं इतनी रात तक कहाँ था? नहीं, मैं घर में शांति चाहती हूँ अपनी बेटी की खातिर। कल सबको स्कूल आना है। सर, पर कल तो संडे है। हम कल साइंस म्यूजियम जाएंगे। वहाँ पर हमें साइंस की लेटेस्ट डिस्कवरीज देखने को मिलेंगी। और हाँ, सबको ही अपना अपना लंच बॉक्स और वाटर बोतल साथ में रखेगा। शार्प 9:30 बस स्कूल से निकलेगी। ओके शिवी बेटा, आप भी अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लेना। ओके, आराम से, बी केयरफुल।
कोई ना कोई रास्ता जल्दी ही ढूंढ लूंगा। अब तुम्हारे बगैर मेरा भी कहां मन लगता है। चुप हो जा दादा, चुप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा दादा। ऐसा नहीं चाहता। चुप करो राधा, दिल छोटा नहीं करते, चिंता नहीं करते। मारो और मारो, इस चुड़ैल के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कीड़े फड़ेंगे ना, तुम्हें तो जगह नहीं मिलेगी। राधा सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे बगैर मेरा भी कहां मन लगता है। तुम्हारे बगैर मेरा भी कहां मन लगता है। मैं क्या करूं, मैं मम्मा को बताऊं या नहीं। अगर ये बात मैंने मम्मी को बता दी कि मैंने पापा को पार्क में उसी औरत के साथ देखा था, तो एक बार फिर हंगामा होगा और पापा मम्मी को मारेंगे। कम कम कम, बी केयरफुल। देखो ये एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करती चीजें, ठीक है। चल कम आगे, ध्यान से कम 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 कम। ये देखो डिजिटल एडवेंचर, यहाँ देखो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, देखो द बर्ड्स ऑफ डिजिटल। कम फॉरवर्ड बेटा, आप लोग भी आओ। देखो कम, देखो आप लोग पढ़ते हो ना, यहाँ देख सकते हो आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के। पहले जब हमारे पास कंप्यूटर आए थे तो कितने बड़े थे, यू नो, फिर अब कितने छोटे छोटे हो गए, कितने। या वेरी गुड, कोशिश करो कि पहचानो क्या हो सकता है। हाँ वेरी गुड, आज अगर शिवी आई रहती तो कितना अच्छा रहता ना, उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता ना। ओके आप बताओ। आज मैं अपनी शिवी बेटी को झूले वाले पार्क लेके चलूंगी, चलेगी ना। नहीं। क्या हुआ बेटा, ना तो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, उनके साथ खेलती है, ना पढ़ाई ठीक से करती है, क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मैंने अपनी रानी बेटी के लिए खीर बनाई है, खाएगी ना, मैं लेके आती हूँ। अरे शिवी बेटा, आज स्कूल से जल्दी आ गई। आजकल स्कूल में एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही है तो आज जल्दी छुट्टी हो गई। एनुअल डे? फिर तो हमेशा की तरह नाटक में भाग ले रही होगी मेरी बेटी। नहीं इस बार नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। लो बेटा खीर खा। आपने बहुत टेस्टी
खीर पकाई है, बहुत अच्छी है। और लेगी? नहीं, और नहीं बस। नमस्कार भाई साहब, आप अमर शर्मा जी हैं? जी आप कौन? जी मैं शिवी का टीचर अरमान हूँ। मैं शिवी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी थी। जी कहिए। देखिए भाई साहब, मैं आपके पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन शिवी मेरी स्टूडेंट है, वो दिन पर दिन घुटती जा रही है। भाई साहब, आप लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी पढ़ाई पर तो असर पड़ ही रहा है, उसका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। मैं तो शिवी का भला चाहता हूँ बस। उसका भला, जब हमने बेटी पैदा की है तो उसका भला बुरा भी हमें सोचना है। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते। सर। बेटा। सर सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? कल पापा ने आपको डांट दिया था ना। छोड़ो बेटा, छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाते, तुम अपना ध्यान बस पढ़ाई में लगाओ, ठीक है? सर अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं जब भी स्कूल आती हूँ सोचती रहती हूँ कहीं पापा मम्मी को मार तो नहीं रहे होंगे, कहीं मम्मा घर छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा बेटा, इम्तहान सर पर है, सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है? सर सब ठीक कर देंगे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं तुम्हारे पापा को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश अगर लगन से की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ। गुड। नमस्कार भाई साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, आप हमारे लिए भी समय निकाल लेते हैं। वैसे एक बात बताएंगे, आप हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? आखिर आप हमसे चाहते क्या है? शिवी की जिंदगी। क्या मतलब? देखिए भाई साहब, उस दिन आप मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाए, शिवी धीरे धीरे मानसिक रोग का शिकार हो रही है। क्या मतलब है आपका? भाई साहब, आपको नहीं लगता कि आपकी हंसती खेलती बेटी अचानक गुमसुम हो गई है, खामोश हो गई है? क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते? वो मेरी बेटी है, उसकी खुशी का ख्याल तुमसे ज्यादा मुझे है। खुशी का या गम का? गम? अरे मैं तो कभी उसे जोर से डांटता तक नहीं, वो मेरी लाडली है, भला मैं उसे दुख कैसे पहुंचा सकता हूँ? आपको क्या लगता है कि शिवी अभी तक दूध पीती बच्ची है? आप लोगों के लड़ाई झगड़े के बारे में उसे कुछ नहीं पता? वो मेरा और निशा का मामला है, और मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। बेशक हक है भाई साहब, लेकिन आपको अपनी जिंदगी जीने का, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। आप कई जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बेटी अपनी बीवी और उस औरत के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं जो इस झगड़े की वजह है। भाई साहब जरा सोच के देखिए कि दूसरी औरत के साथ आपकी बीवी, सौतेली माँ के साथ आपकी बेटी, और एक विवाहित पुरुष के साथ वो औरत खुश रह पाएगी? लेकिन फिर भी अगर आप उस औरत से शादी करना चाहते हैं तो निशा जी को तलाक क्यों नहीं देते? तलाक वो भी ले लेता अगर मेरी बेटी के साथ अपनी माँ का इतना गहरा लगाव ना होता। हमारे संबंध सिर्फ बेटी की खातिर रह गए हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। सिर्फ दो वक्त की रोटी और एक छत दे देने से बच्चों की परवरिश नहीं होती, एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है अच्छे परवरिश के लिए, जो आपके घर में नहीं है। अगर आपके घर का माहौल यूं ही तनावपूर्ण बना रहा तो शिवी टूट जाएगी। और भाई साहब मैंने देखा है कि संवेदनशील बच्चे कई बार हताश होकर खुदकुशी तक कर लेते हैं। बस बस, लेकिन ये मैं अपने स्टूडेंट के साथ नहीं होने दूंगा। और हाँ भाई साहब, आपकी लाडली के पास स्कूल के किताब कॉपी भी पूरे नहीं है। नमस्कार। क्या फैसला किया आपने? राधा, राधा शिवी के सर आए थे। उनके आने से आपके फैसले का क्या संबंध? संबंध पहले तो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। राधा, राधा सर की बात सुनकर धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि अनजाने में सही मैं अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर बैठा। बहुत दुखी है। उसकी दुख की परवाह है?
और मेरे? राधा राधा बात समझने की कोशिश करो, वो मेरी बेटी है, उसकी नसों में मेरा खून दौड़ रहा है, मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। और शासन की बेटी के साथ मैं नहीं रह सकती। राधा सुनो तो, मैं आपको फैसले के लिए 2 दिन का वक्त और देती हूँ। एक तरफ आपकी बेटी और पत्नी और दूसरी तरफ मैं। ठीक 2 दिन बाद इसी वक्त इसी जगह मैं आपके अंतिम फैसले का इंतजार करूंगी। और भाई साहब, मैंने देखा है कि संवेदनशील बच्चे कई बार हताश होकर खुदकुशी तक कर लेते हैं। पापा आप मम्मी को मत माना करो, वो बहुत अच्छी है। प्लीज पापा प्लीज। बेटा नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, मेरी बच्ची नहीं मारूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस मेरे बच्चा। गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस मेरे बच्चा। नहीं बच्चा, रोते नहीं है बच्चा, नहीं मारूंगा मेरे बेटा। मम्मी पापा, मम्मी। ओ, मेरी बेटी। मम्मी आज हम तीनों झूले वाले पार्क चलेंगे। जरूर चलेंगे। आज हमारी लाडली बेटी कितनी खुश है। सच में ले बेटा। मम्मी बोल रही थी आपकी कोशिश सचमुच कामयाब रही और अब पापा मम्मी से झगड़ते नहीं है और पापा मम्मी को मारते भी नहीं है। थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा।